मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाता हूँ। तो उस टाइम पे मेरी एज पता है 22 या 21 होगी। तो मैंने बोतल ली हाथ में और ऐसे खोला और मुंह में हल्का सा डाल लिया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका रोहित सिंघाना और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज ना यूज़ करना मेकअप करने के लिए, मतलब कल वैसे तो करवा चौथ है लेकिन आज इसको एक मतलब कोलैब करना है। कोलैब के लिए इसके पास ये ड्रेस आई हुई है और इसका भी मेकअप होगा और साथ में ज्वेलरीज भी है। तो अभी वैसे तो इसको कल पहनना चाहिए था। कल क्या पहनने वाले हो यूषा? कल के लिए तो यूषा के पास इस बार कपड़े नहीं है और इस बार हमने शॉपिंग भी नहीं करी है ना? के साथ तो मैं कुछ हैवी पहन भी नहीं सकती। हाँ, नॉर्मल सा पहन लेना। ये सही है। हाँ, नॉर्मल सा पहन लेना अपना, रिलैक्स रहो जिसमें सारी चीज़ें कर पाओ। और कल करवा चौथ है, दोनों का हमारा फास्ट रहेगा। ये मुझे ज़बरदस्ती रखवा रही है, मैं रखना नहीं चाहता गाइस। मैं चाहता हूँ ये टाइट टाइफिस हो जाए जल्दी। क्या कह रहे हो? लाइट तो जला लेते। लाइट तो जला दी तुमने, रोशन तो कर ही दिया तुमने मेरा जीवन। मेरे जीवन में आके तुमने मेरा जीवन रोशन कर रखा है। तो गाइस, यूषा जो है रेडी हो गई और यूषा को मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। काश की रेडी ऐसे कल हुई होती और मैं भी रेडी होता तो फिर दोनों की फोटो होती। बहुत सुंदर लग रही है आज, मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे भाई आज बाकी बहुत सुंदर लग रही है। और इसने लेंस भी लगाया आज। तो गाइस, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यूषा कैसी लग रही है। तो गाइस, ये रही यूषा, मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाता हूँ। और ये ड्रेस में यारोई भी साथ में ही है इसके। ये यारोई सही कर रही है मेरी ड्रेस की, ये ठीक नहीं हो रही। इस चेक कर रही है चारों तरफ से, ठीक कर दो बेटा। हाँ, अच्छे से। ये तो अंदर घुस रही है, ये स्पेशली मेरे लिए आया मेकअप करने के लिए। मैं मेहंदी भी इनसे लगवाने वाली थी। मतलब जैसे अच्छा लगता है ना वैसे। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा कर देते हैं, थोड़ा फेस अजीब सा लगता है, बट ये जितना यूषा का मेकअप हुआ आई थिंक ये बेस्ट है। और दिखाना तुम्हारे लेंस। So, आज मेरे भैया ने फर्स्ट टाइम लेंस भी लगाए हैं। 9675 7 8 1 7 8। अच्छा, नेल्स को छोड़े कुछ भी, किसी को मेकअप करवाना है, ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सारी चीजें आप देख लेते हैं ना। अब कल तक ही पहनोगे? और इसी में आज इसी में सो जाओ। कुछ भी मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा लाइट आ रही है। यूषा ने मेरे लिए रखा है, मैंने यूषा के लिए रखा है। देखते हैं किसकी लंबी ज्यादा उम्र होती है, किसका फास्ट ज्यादा कामयाब होता है। बाकी यार, रात को 4 बजे उठना होता है और 4 बजे उठ के वो खानी होती है सेवैया वगैरह, तब से प्यास लग रही है यार। इस बार हम यहीं पर है और रोमा इस बार हमारे साथ है। रोमा भी आज रेडी होगी। रोमा ने भी फास्ट रखा है। रोमा ने भी फास्ट रखा हुआ है। किसके लिए रखा तुमने? रोमा ने फास्ट रखा। ये क्या, ये खा के दिखाओ लोग फास्ट नहीं तुम्हारा। आज मतलब हमारे घर ना सारे जितने भी मेरे फ्रेंड जो मैरिड हैं, शायद वो शायद हमारे घर पे ही ऊपर आज तो टेरेस पर ही खोलेंगे ना। वो तो आज पता है क्या हुआ। और हाँ, ये देखो गाइस, अब ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ना, कह रहे थे चढ़ी नहीं और ये इतनी गाढ़ी हो गई थी, इतनी ब्लैक हो गई थी और इनने 2-3 दिन पहले ही लगवा ली थी। तो आज थोड़ी थोड़ी सी ना बोलने लगी, उतरने लगी। लेकिन तो है नहीं, अभी तो है ये बेटे। वैसे करवा चौथ पे हमेशा ये होता है कि भाई बहुत टाइम बाद निकलता है और मतलब कितना। यार देख लो, ये गाड़ी हो मतलब थाली वगैरह का सामान लेने आया था, जिसमें थाली होती है, छन्नी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। घर पर तो क्या है कि सारी चीजें घर रखी रहती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बाहर लेने आया था, ना थाली मिली ना कुछ छन्नी मिली। अब वो ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, भूख वगैरह तो झेल लूंगा। लेकिन जो चीज नहीं झेल रही है ना वो है प्यास। प्यास लग रही है यार बहुत ज्यादा। और इस बार तो मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ नहीं है। वैसे यार, अगर देखा जाए ना, मुझे भी रखते रखते ना 4 साल हो गए। मेरा चौथा करवा चौथ का फास्ट है। तबीयत खराब है यार, गला पकड़ रखा था, गला ठीक ही नहीं हो रहा। कम से कम 10-15 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही है और इसी वजह से व्लॉग भी थोड़ा सा एक रीजन था कि लेट आ रहे हैं। बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया हमने। बीच में ना मौसम एकदम से चेंज हुआ, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया और अभी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ही मौसम है। और इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा सबका गला पकड़ लिया। सबसे मिठाई ले लेते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ रसगुल्ले ले लूँ व्हाइट वाले के, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट वाले रसगुल्ले ना। और देखता हूँ अगर इनके पास हमें खुला वो पनीर मिल जाए, क्योंकि आज पनीर बनेगा रात को खाने में और मुझे पनीर ना खुले का ही पसंद है। पैकेट वाले पनीर में यार मज़ा सा नहीं आता, अजीब सा लगता है। जो हमारा फर्स्ट था उसमें मेरी एज पता है कितनी थी? अभी हमारा 14 है तो उस टाइम पे मेरी एज पता है 22 या 21 होगी, क्योंकि अभी मेरी एज 25 है और नवंबर में मैं 26 का हो जाऊंगा।
तो ऑलमोस्ट मेरी एज ना 22 या 21 होगी, और शायद मेरे पापा का होगा तो पापा की तो और भी कम थी, शायद 20 साल के ही थे हूँ। उनकी एज जो थी शायद 19 या 18 साल थी जब उनकी शादी हो गई थी, मतलब मेरी मम्मी से जब शादी हुई थी, और मम्मी की तो 17-18 साल ही होगी जब उन्होंने पहला फास्ट रखा होगा करवा चौथ का। यारो ही भी बड़ी हो गई है इस साल, तो यारो ही 1.5 साल की है, अगले साल 2.5 साल की, बोलने लगी ये चीज़ अभी भी, यारो ही काफ़ी चीज़ें बोलने लग गई है, मतलब लेकिन वो ना अपनी भाषा में बोलती है, ऐसा लगता है कोरियन बोल रही है, गाबा गिगी ऐसे ऐसे बोलती है वो, लेकिन बोलते हैं बड़ी क्यूट लगती है। बस मुझे वो ही वेट है कि कब वो बोलना स्टार्ट कर दे और हम उससे बातचीत कर पाए, वो हमें बता पाए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। जब वो बोलना स्टार्ट करेगी, वो यहाँ पे बैठी होगी, ऐसे उसे बैलून दिखेंगे, फिर वो मुझसे लड़ेगी पापा दिलवा दो दिलवा दे, और फिर उसको दिलवाना पड़ेगा। बाकी जो अपनी कार है ना, ये 22,000 के आसपास चली हुई है, और शायद जब मैं लेके आया था ये कितनी चली हुई थी, 8-9 हज़ार के आसपास चली हुई थी, और 6-7 महीने में मैंने इसको भी 14,000 चला दिया है। मेरी रनिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे डीजल लेनी चाहिए थी, मैंने पेट्रोल ले ली, बट मुझे पता है क्या है, मैं ना किसी भी गाड़ी का एवरेज निकाल सकता हूँ भाई, इसका भी ना अभी आप देख रहे हो 9-10 का दिखा रहा है सिटी में, मतलब ये मुझे ना विदाउट एसी 11 के आसपास का एवरेज दे देती है, और जबकि लोगों का ये कहना है कि भाई 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक तो बिल्कुल भी एवरेज नहीं देती, 6 का देती है 7 का देती है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल प्यार से, मैं अच्छा मतलब मुझे इसका पता चल गया सिस्टम की कैसे निकालनी है चीज़ें। कहाँ है बादल, साफ तो पड़ा है, जिससे कह रही कि बादल आ गई चांद नहीं दिखेगा। So guys, मेरा लुक कैसा लग रहा है आज, मैंने ये वाला लुक किया है अपना, इसके नीचे में ये रहूंगी बस आज। आज इसे रहोगे तुम, वैसे तो सुंदर लग रही है ऐसे, तुम प्यारे लग रही है, दिखा नहीं तो गाइस मैं सामान ले आई, और तुमने थाली मंगा ली? अभी नहीं मंगाई है, थाली मंगा लो। और पता है कहीं से भी क्या हुआ ईश्वर, पता है क्या हुआ, मैं जैसे सामान लेके कार में बैठा, जहाँ सामान रखा मैंने वहाँ से ना बोतल पड़ी हुई थी पानी की, तो मैंने बोतल ली हाथ में और ऐसे खोला और मुंह में हल्का सा डाल लिया, और जैसे ही डाला मैंने और एकदम से मैंने मुझे आ जाओ गर्म मुँह हो गया, लेकिन मेरा पानी अलग तक थोड़े नहीं गया था, देखो खाना बन रहा है, छोले बना रहे हैं हमारे अच्छे रोज, इतना ज्यादा कुछ नहीं बना, नॉर्मल खाना बनाया, छोले बनाया, पनीर बना रही हूँ, चावल पूरी हलवा। यार काले चने मैंने खुद अपने लिए मंगवाए, मुझे काले चने ना हलवे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अपना किसे बंदे नवरात्रों में जिस दिन पूछते हैं ना लड़कियाँ, मैं तो भाई ये वाइट छोले लिया है, फिर वो वाइट रसगुल्ले, वैसे तो सुंदर लग रही है ऐसे, तुम प्यारे लग रही, दिखा नहीं तो भाई इस घर पे ही अभी हम पूछे, ये देखो इन्हें उतार दिया, दे दो बेटा, दे दो दे दो दे दो बेटा, गिरना नहीं भाई, मैं बाहर चांद देखने आया था, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियर, आज तो तारे भी नहीं दिख रहे हैं, क्या बात हो गई, तारे तो दिखते हैं कम से कम, बट इस साइड की बालकनी में तो नहीं दिख रहा, देखो कहीं भी चांद नहीं है, उस साइड की बालकनी में जाकर देखता हूँ कहीं थोड़ा बहुत चांद दिख गया हो, वैसे जैसे चांद दिखेगा ना लोग घर पर आने तो स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर छत वगैरह पर, यहाँ पर तो देखो कुछ चांद तारा कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये हमेशा गई है जब भी करवा चौथ होता है ना तो लेट ही निकलता है चांद, देखो ईशा मैंने कहा था ना आ गया, देखो इधर मैंने तुम्हें कहा नहीं था आज कि आ ही जाएगा जल्दी आ जाएगा, उस वो देखो उधर कुछ भी पागल बना रहे, मैं तो बेटे कल तक भी भूखी रह सकते हो अपना सोचो, ये ऐसा अच्छा खाना रखा है, ये देखो भाई साहब ये रखा है खाना, क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर, छोले इधर, काले चने मैंने जो बनवाए ये तो बहुत सारे हैं, रोहित तुमने फास्ट करके कैसे कर रहे हो, ये खा, मैंने तो खा भी लिया खाना, नहीं खाया अभी, खा लिया था मैंने, ये झूठ बोल रहा है, इसने बट रखा है इसको, क्या कह रहे हो, आज मैं आपके लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ अपने पति के लिए, क्या ये क्या चीज़ है ये, अच्छा ये हलवे में डालोगे क्या, ओह माय गॉड, just looking like a wow, so beautiful, so elegant. ये इसको मां ले लो, इसे खोल दो, ये रहा पर खा लेगी, और ये क्या है, मैं देखो सूजी समझ के मैदा ले गई, जी कितने रखी है हमारी, वो कितने गई है सूजी, ऐसे ही होगी ना,
तो किसको दे? मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो है नहीं, किसको दे? आंटी को दे देंगे, आंटी को। ऋषभ चलो ऊपर, लोग बाग छतों पे आए हुए भाई पूजा कर रहे हैं, तो इसको मतलब निकल गया ही होगा। तो वैसे देखो निकल गया चांद। तो गाइस एक्चुअली चांद ना निकल चुका है, ये आप देख रहे हो ना, ये ऑरेंज सा, ये एक्चुअली चांद ही है और ये इन पेड़ की वजह से छुपा हुआ था जो मैं दिख रहा था। मैंने सामने देखा, हमारे सामने एक तो वो ऊपर आके ना पूजा कर रहे थे, मैंने कहा यार चांद ही निकला तो कैसे कर सकते। फिर मैं ऊपर आया, अभी मैंने देखा, मैंने ऋषभ को बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम ऊपर आ जाना। अब वो ऊपर आ रही है पूरे फास्ट में, मुझे सिर्फ प्यास लगी, वो भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मतलब कंट्रोल में थी सारी चीज़ें। और ये सोसाइटी हमारी जो पीछे है ना, इसके अंदर दिवाली, जैसे दिवाली आ रही है तो बहुत अच्छे से हमने लाइट्स वगैरह लगा रखे, देखो कितने पीछे अच्छी लग रही है। अच्छा यार ध्यान से इसको, ध्यान रखना थोड़ा, कर लो इसको, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, चलो ऐसे रख कर लो ना। हां है ना, बड़ा है ना। लो भाई साहब, भाई और ऋषभ रसगुल्ले ने तो मजा आ गया है ना। रसगुल्ला कितना टेस्ट हो गया, रसगुल्ला आ गया ठीक हो गया। अब तो बस खाना दो यार फटाफट। हाँ मट्टी तो रखी नहीं तुमने, मट्टी थोड़ी रखते हैं, और मट्टी पूजा में रखते हैं। अगले साल काम आ जाएगी। चलो पहले तो थोड़ा सा मुझे हलवा और चने दे दो।